दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो आप स्फेरिकल इफेक्ट देख रहे हो कोलाज जैसी, वो हम लोग फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजीली और स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी आसान है बनाना। तो एक कोलाज स्फेरिकल इफेक्ट कैसे बनती है वो हम फोटोशॉप में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फोटोशॉप में एक नया पेज लेता हूँ। पेज आप कोई भी साइज का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, साइज का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने नया पेज ले लिया। इसमें मैं रेक्टेंगल टूल ले लूँगा, शेप वाला, मतलब कलर वाला, और मैं एक शेप क्रिएट करूँगा शिफ्ट दबा के स्क्वायर में। ये मैंने बनाया। अभी ये शेप को मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। मेरा वीडियो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप उधर जाके भी देख सकते हो। अभी इसकी कॉपी बनाएंगे अलग अलग, तो अल्ट दबा के मैं इसका कॉपी लेता हूँ और इसको थोड़ा जितना जरूरी है उतना स्पेस दे देंगे। तो ये मैंने दो बनाए और ये तीनों को मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ और अल्ट दबा के और तीन ले लेता हूँ, मतलब छह हो गई हमारी, और तीन और लेता हूँ। ये मैंने ले लिया। अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा सबको, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी मार के पेज के अंदर मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पेज के अंदर ही चाहिए, बाहर नहीं चलेगी इसके लिए। तो ये मैंने ले ली। अभी मैं अल्ट दबा के इसका और एक लेयर बनाऊंगा और एक इसको पूरा सिलेक्ट कर दूंगा और अल्ट दबा के और एक लेयर बनाऊंगा। और एक अल्ट दबा के मैं और एक बनाऊंगा। जितनी जरूरत है हमें हमारे लिए उतने हम लोग लेयर बनाते जाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट, मतलब हमें जो हमारा फोटो इसके अंदर जो डाल के बनाना है उसके मुताबिक जितनी ज़रूरत है उतना मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने मेरे हिसाब से मुझे जितना लेयर चाहिए था उतना मैंने यूज़ कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे फ़ोटो डालना है और हर एक बॉक्स में फ़ोटो डालना है, मतलब ए बॉक्स में भी फ़ोटो आना चाहिए, ए बॉक्स में भी फ़ोटो आना चाहिए, ए बॉक्स में भी, मतलब जितने भी बॉक्स है उस सब में फ़ोटो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हमने ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ से, तो ये मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको, इसमें मुझे जो फ़ोटो डालना है वो फ़ोटो मैं ओपन करूँगा। फ़ोटो मैंने ओपन कर दिया, ये फ़ोटो मुझे उसमें डालना है। तो मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल डब्ल्यू करके इसको बंद कर देता हूँ और इसको जितना हो सके उतना बड़ा करके मैं कंट्रोल वी करूँगा और कंट्रोल टी करूँगा। कंट्रोल टी मतलब मुझे इसको छोटा करके उसके अंदर मुझे बिठाना है। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना उसको सेट करेंगे यहाँ से। मुझे इतनी ज़रूरत है ये फ़ोटो की, तो मैंने इतना ले लिया इसको, ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी ये हमने जो फ़ोटो बनाया वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बॉक्स के ऊपर बनाया है, तो मैं इसको कंट्रोल अल्ट और जी करके क्लिपिंग मास्क बना दूंगा। एक क्लिपिंग मास्क हो गया और इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा या कंट्रोल एस मार दूंगा, दोनों में से कोई भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से उसको बंद करके यस कर दूंगा या तो कंट्रोल एस मारूंगा। तो अभी आप देखोगे
कि जब अपडेट हो जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारे जितने भी बॉक्सेस है वो बॉक्सेस के अंदर हमारा फोटो सेट हो जाएंगे, अलग अलग फोटो हर एक बॉक्स के अंदर। ये हमारे फोटो इसके अंदर सेट हो गए, जितने बॉक्स है उतने फोटो आ गए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला लेयर और आखिरी शेप वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे, मतलब हर एक लेयर को हम लोग मर्ज कर देंगे। तो ये हमारा मेन पेज हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब सिंगल लेयर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम यहाँ से इलेप्टिकल मर्की टूल सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के उसको राउंड में हम जितना ज़रूरत है हमें उतना उसको रखेंगे, मतलब मुझे जितना चाहिए उतना मैंने उसको सिलेक्ट किया, जितना चाहिए इतना मैंने ले लिया। अभी इसके बाद हमारा फिल्टर में जाके डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ स्फेराइज ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप पूरा जूम करके भी देख सकते हो कि हमारी इमेज कैसे दिखेगी। आप यहाँ से उसका जितना कम ज़्यादा करना है उतना कर सकते हो, जितना ये एकदम जीरो है कम, मतलब माइनस 100, और ये हमारा प्लस 100 है, मतलब आपको जितना एम्बोस चाहिए वो हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ सेटिंग इसमें है नहीं, और ओके कर दीजिए तो ये हमारा स्फीयर तैयार हो गया। ये हमारा पहला काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ये हो जाने के बाद हम लोग सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है उसको डिलीट मारना है, मतलब कलर भरना है इसमें। तो हमने ये बाकी का पोर्शन को उड़ा दिया, ठीक है। इसको दोबारा सिलेक्ट इनवर्स करेंगे और एक न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर क्यों, क्योंकि इसको भी हमें कलर भरना है। तो हम लोग एडिट में फिल में जाके जो वाइट कलर है वो भर देंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में जाके ओके। अभी हमारा दिखता नहीं है क्योंकि ऊपर एक वाइट कलर वाला लेयर आ गया, तो हम इसको ऊपर कर देंगे और वाइट कलर वाला लेयर को नीचे कर देंगे और इसका सिलेक्शन निकाल देंगे। ये हमारा दोनों काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों लेयर को साथ में लेंगे और कंट्रोल टी मार के थोड़ा घुमाएंगे, जिससे हमारा इफेक्ट हमें लगे कि, और थोड़ा छोटा भी करेंगे जिससे हमें कुछ उसका प्रॉपर इफेक्ट मिले। ये हमने बना दिया और इसको डबल क्लिक कीजिए, ये हमारा स्फीयर का इफेक्ट आपको मिल गया, यहाँ स्फीयर हमारा बन गया। लेकिन ये स्फीयर हवा में तैरता लग नज़र आ रहा है, मतलब नहीं उसका शेडो है, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज जनरली कोई भी फोटोग्राफ्स का शेडो होता है। तो यहाँ हम लोग बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और एक न्यू लेयर लेंगे या डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, और ये हम लोग यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे। ब्रश में क्या करेंगे, ब्रश को एक या दो बार ब्लैक कलर का शेडो देना है, तो ब्लैक कलर फोरग्राउंड में रखिए और यहाँ दो बार उसको क्लिक कीजिए, और दो या तीन बार डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कंट्रोल टी मार के उसको छोटा करेंगे, और यहाँ हम लोग अल्ट दबा के दोनों साइड से उसको स्प्रेड करेंगे, वाइड करेंगे, और हो सके तो इसको नीचे लाओ तो आपको अपना शेड पता चल जाएगा। ये देखिए हमें जितना चाहिए वो हिसाब से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि मेरे स्फीयर के नीचे उसका शेडो आ चुका है। तो दोस्तों इतना आसान है ये बनाने का। अभी हम और क्या कर सकते हैं, इसको ये तीनों लेयर क्लिक करके उसको मर्ज कर देंगे, मर्ज लेयर्स। तो आपके हाथ में अभी ये स्फीयर तैयार है, कोलाज, दिस इज अ कोलाज स्फीयर। तो इस तरह हम लोग हमारे इमेज का एक अच्छा सा स्फीयर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।